हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं ये दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से मेहंदी के कुछ डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो ये बेसिक डिज़ाइन है और ये मेहंदी के फ्लावर है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम डॉट बना लिए हैं और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लेंगे। ये एक नया फ्लावर है। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। ये इस तरीके से एक डॉट बनाएंगे और चारों तरफ इसके रोल कर देंगे। और जो थर्ड है, सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर हम इस तरीके से लाइन बना के बीच में एक बिंदी छोटा सा बना देंगे। अब ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से फ्लावर है। डॉट बना के चारों तरफ इस तरीके से हम लोग चलाएंगे गोल गोल लाइन, और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्लावर बनाते हैं। पहले हम छोटा सा फिर डॉट बनाएंगे और एक छोटा सा सर्कल उसके ऊपर बनाएंगे, और इस तरीके से हम गोल गोल चारों तरफ से इस तरीके से रोल करते जाएंगे। ये भी एक अच्छा फ्लावर है। अब ये देखिए, ये भी उसी तरीके से सेम है। पहले एक डॉट फिर रोल बनाएंगे। अब हम इस तरीके से चारों तरफ से जब छोटे छोटे डॉट बना लेंगे, तो हमारी जो कभी बड़ी छोटी डिजाइन बन रही है वो नहीं बनेगी, इससे एकदम एक्यूरेट बनेगा। देखिए ये सर्कल, और ये देखिए ये नए तरीके की है। हम चारों तरफ से इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके हम इस तरीके से बना लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये कितने आसान से बना रहे हैं हम, आसान तरीके से बना रहे हैं। जैसे लगता है कि आएगा नहीं, बट ये बहुत ईजी है। और उसको इसको हाईलाइट करने के लिए हम एक और इस पे लाइन चला देंगे, ताकि जिससे कि ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। और फिर उसके बाद इसमें छोटे छोटे हम डॉट बना देंगे। ये एक बनारसी डिज़ाइन है, बनारसी फ्लावर टाइप की है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले एक डॉट बनाए, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एक डॉट बनाए हम, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक सर्कल बनाए, उस सर्कल के भी ऊपर एक और सर्कल बनाए, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके हम इसी तरीके से एक एक्यूरेट बड़ा सा सर्कल फिर से बना लिए। अब हम इसके अंदर बनाएंगे दोस्तों। इतनी छोटी छोटी, पहले हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ्लावर बनाते हैं। डायरेक्ट सीखेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर इस तरीके से हम एक वन बाय वन देखेंगे, पहले फ्लावर बनाएंगे, फिर उसके बाद पत्तियां बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें पूरी स्टार्टिंग से नॉलेज हो जाएगी और हमें आगे चल के कोई तकलीफ़ नहीं होगी। डायरेक्ट अगर हम हार्ड मेहंदी से स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले हम छोटा छोटा छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, आपको समझ में आ रही होगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अगर आपसे थोड़ी गलती भी बनती है तो कोई बात नहीं, आप एक दो बार तीन चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी आसानी से। और ये देखिए, ये वाली भी डिज़ाइन काफ़ी चल रही है आजकल। और सारे फ्लावर अगर दो से तीन बार आप बनाएंगे तो आपको इजली ये सब आ जाएंगे। ये देखिए, इसमें मैं लहर जैसा बना दे रही हूँ। इसमें करीब तीन लाइन में लहर की बनाऊंगी। इस तरीके की भी डिज़ाइन काफ़ी देखने को आती है। तो पहले तो हम स्टार्टिंग में सीखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट बनाते हैं किस तरीके से बनेंगे। देखिए, पहले अगर आपकी स्पीड कम है तो कोई बात नहीं, सही बनना चाहिए और एक्यूरेट बनना चाहिए। और गलत हो रही है तो फिर से प्रैक्टिस करिए, आपकी आसानी से बन जाएंगी। और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। मैं खुद भी थोड़ा सा मैं घबराई थी, बट मुझे भी आसानी से आ ही गया। यहाँ देखिए कितने आसानी तरीके से, बस हम इसे डार्क कर देंगे ताकि ये हाईलाइट लगे। और दूर से भी देखने में जो पतली वाली मेहंदी होती है वो ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती है। जो थोड़ा सा हाईलाइट की हुई रहती है, मतलब जिस पे डबल लाइन चली होती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है दूर से भी देखने में। जहाँ तक कि आप मेरे फ्लावर्स को देखिए, जो जो सिंपल है, जो वन लाइन लेकर मैं बनाई हूँ, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रही होगी आपको। जो जिस पे मैं डबल लाइन बना के हाईलाइट की हूँ, वो ज़्यादा ही आपको अच्छी लग रही होगी। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी
तो आई होप अगर आप इस तरीके से फ्लावर बना रहे हैं तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आगे मेहंदी हार्ट बनेगी तो उसमें आपको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अगर ये मेहंदी को करीब 3 से 4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से आ जाएंगी। यहाँ देखिए, बस एक डॉट बनाए और इस तरीके से इसे खींच लिए और फिर इसको हम हाईलाइट कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितने इजी तरीके से मैं बना रही हूँ। अगर आपकी स्पीड कम है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है, और क्योंकि अगर स्पीड कम है और अच्छी मेहंदी बन रही है तो ऑटोमेटिक स्पीड आगे चल के बढ़ जाएगी आपकी। इससे आप परेशान मत होइएगा। ये देखिए, इस तरीके के भी फ्लावर काफ़ी चलन में है, आजकल हर कोई इसे बना रहा है। अब हमें क्या करना है, बस इस तरीके से हमें कुछ फ्लावर्स को बनाने हैं और बस इसे हम हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद इसके थोड़े थोड़े हम पतले पतले से शेड निकालेंगे। हमें एक्स्ट्रा मेहंदी शेड जब हमें लगाना रहता है तो एक्स्ट्रा नहीं निकालना है, बस उसी में हमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींच लेना है। और जब ये हाईलाइट हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर से हमें लाइन चला देनी है ताकि ये और ज़्यादा अच्छी लगे। देखिए काफ़ी ये अच्छी लग रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले एक सर्कल बना लिए, फिर उसके अंदर एक छोटा सा बना लिए, फिर उसके बाद हम इसमें चारों तरफ से गोल गोल इस तरीके से कर लेंगे और थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। सेट जब भी करें ध्यान रहे कौन से मेहंदी निकलनी नहीं चाहिए, बस उसके उसमें जो पहले से लगा है उसी वही लगनी चाहिए। और देखिए, और उसके बाद हमें फिर से इस पे डबल लाइन चला के इसको हाईलाइट कर देना है, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। यहाँ देखिए, फिर अब क्या करना है, एक डॉट बनाने के बाद हमें इस तरीके से रोल रोल चारों तरफ से कर लेना है और उस पे छोटी छोटी हमें इस तरीके से फ्लावर का शेप देना है। सेम उसी तरीके से बनाना है, बस उसमें ये फ़र्क है, इस फ्लावर में बस इतना सा फ़र्क है कि इसमें छोटी छोटी पंखुड़ियाँ रहेंगी इसकी और ज़्यादा रहेंगी, उसमें बड़ी बड़ी थी और थोड़ी सी कम थी। चलिए अब शेड लगाते हैं। तो मैंने शेड के लिए आपको बताया है कौन से कौन जो है उससे हमको नहीं निकालना है, बस जो लगी मेहंदी है उससे हल्का हल्का सेट करना है। तो ये देखिए हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले इस तरीके से डॉट बनाएंगे और चारों तरफ से सर्कल करेंगे, फिर उसके बाद ये देखिए बस इस तरीके से गोल करते जाएंगे। ये भी बहुत इजी फ्लावर है जो आज कल हर कोई बना रहा है और आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। बस इसमें हमें क्या करना है, बस डॉट डॉट बना देना है। अब ये तैयार है, दिखने में भी काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक डॉट बनाए, फिर उसके ऊपर एक सर्कल बनाए, सर्कल बनाने के बाद फिर एक और उसके ऊपर सर्कल बनाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हमारी आदत बन जाएंगी, भले आपकी स्पीड कम है लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी। यहाँ देखिए, मैं इस पे करीब 3 लाइन चलाई हूँ। उसके बाद 3 लाइन चलाने के बाद हमें इस पे इस तरीके के कुछ फ्लावर बनाने हैं। ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है बट ये भी अच्छा लगता है मुझे मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद चारों तरफ से हमें इस तरीके से, कॉपी को मैं थोड़े से घुमाई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में इसीलिए। उसके बाद हमें इस तरीके से बना लेना है। देखिए कितना इजी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी फ्लावर आप 2 से 3 बार में बना सकते हैं। बस अब इसे हाईलाइट कर देना है सारे फ्लावर्स को, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा लगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। कौन से मेहंदी हम निकाले नहीं है, देखिए
ये देखिए ये सारे फ्लावर्स जो आगे चल के हमें बहुत